माय हेयर, वो सेंटर फ्रेश की एड वाली लग रही हूँ मैं आज. ऐसे फ्रेम लगाइए, बॉक्स के ऊपर, बॉक्स के ऊपर ट्राइपॉड. फोन आएंगे नीचे मुझे. Hi, welcome to a mystery box and this one is from Kolkata, the city of joy. मैं गई थी सिर्फ एक दिन के लिए. The shopping over there was amazing and एक एक जो चीज मुझे मिली है, I don't think mom is even expecting कि ये लाऊंगी मैं. मुझे दो तीन चीजें पता है. कलकत्ता अगर बंगाली मतलब उन लोगों की जो साड़ी रहती है मूवीज में देखी है, they're red and white border something. और वो लोग हाथ में कुछ टिपिकल चूड़ी पहनते हैं. चूड़ी मतलब कड़ा जैसा रहता है, कुछ रेड एंड आई थिंक आई डोंट नो मे बी मैरिड वुमन शायद पहनती होगी. मैं कोलकाता जाके आ चुकी हूँ और मुझे इतना नहीं पता था. मूवीज में आता है एंड शी इज सो ऑब्जर्वेंट. बट इस बार मिस्ट्री बॉक्स काफी बड़ा है. यही एक बैग लेकर गई थी. दिस बैग इज अमेजिंग बिकॉज इट्स एक्चुअली बैक पैक बट इट ऑल्सो हैज अ ट्रॉली सिस्टम. यू कैन एक्चुअली व्हाइल शॉपिंग अगर आप वजन उठा के थक गए हो तो यू कैन जस्ट ड्रैग इट. तो इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर लाइक मी आपको ये काम आएगी. बट आर यू रेडी? यस. टू ओपन दिस? यस. ओके लेट्स गो. ओपन योर साइड. में आगे तो आंटी को दिख रहे हो. अरे हाँ, मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं एक एक चीज ही दिखाऊंगी. आप आग बंद ही कर दो भाई. नहीं नहीं, वही ऊपर पड़ा है, वो नहीं दे सकते अभी, पहले पचका हो जाएगा. लखनऊ में चिकन करी सेम रहता है. कुछ लोग लखनवी बोलते हैं, कुछ लोग चिकन करी बोलते हैं. बट बहुत प्यारा कलर है मेरे पास लखनवी, मुझे बहुत पसंद है. और ये कलर कलेक्शन में नहीं था. ये कलकत्ता का स्पेशल रहता है क्या? आई टेल यू द बैक स्टोरी. तो मैं गई थी इन द बिगेस्ट मार्केट और मैंने वहाँ पे लोकल वेंडर को पूछा कि आप यहाँ का कुछ स्पेशल आउटफिट मुझे दिखाइए. एंड देयर लाइक दिस इज व्हाट वी हैव नॉर्मली. ऐसा कुछ स्पेशल बंगाली सूट वगैरह नहीं था. तो फॉर डेली लाइक आउटफिट फॉर डेली लाइक, क्योंकि इसका जो शेप है ना पूरा कुर्ते के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगा. नहीं नहीं, बहुत अच्छा है. और ये प्योर लखनवी वर्क जैसे आपको अगर इसमें दिख रहा है, ये जो क्रॉस है दैट मीन्स वो अच्छे से हाथ से किया हुआ वर्क है, मशीन वर्क नहीं है. हाँ, ये जो मिरर है वो मे बी साइड स्टिक किया हुआ है. बट बहुत प्यारा कलर है. इसको कुछ बोलते हैं, भूल गई, भैया ने वर्ड बताया था. दिस इज जस्ट मिरर वर्क कुर्ती. एक वर्ड है इसका, वो जो वहाँ पे बोल रहे थे वो. ठीक है, इफ यू नो इट कॉमेंट एंड टेल अस. नेक्स्ट, इसके लिए आप प्लीज आग बंद करो. यू कैन सी कज आपको पहले देख लेना चाहिए. ये गलत है. आवाज जितनी भी आ रही है वो सारी चीजें चाहिए. मीठी से घुंघरू की आवाज आ रही है. आई डोंट नो, आपके कान बज रहे हैं कि हाथ आगे करो. अरे ये तो ओके, यू कैन ओपन योर आईज. वाओ, एंटीक प्रॉपर अफगानी ज्वेलरी. न्यू मार्केट में एक दुकान थी विच हैड ऑथेंटिक अफगानी ज्वेलरी एंड दैट्स वेयर मुझे ये मिल गया. वैसे भी ये मेरे पास कलेक्शन में है अफगानी में. ये मिरर वर्क जो है, हाँ, व्हाइट मिरर ज्यादा है, ये जो कलरफुल है वो नहीं था. तो बहुत अच्छा लगा एंड घुंघरू की आवाज भी मस्त है, बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स ट्राई अ फूड आइटम जो मैंने भी ट्राई नहीं की है. बट दिस इज द फेमस उड़द दाल बोरी. इट्स फ्रॉम पुष्प बंगला, द टेस्ट ऑफ बंगाल. मुझे लग रहा है कि हाँ ये कुक करना पड़ता क्योंकि हम लोग गुजरात में वड़ीस बोलते हैं, वड़ी की सब्जी बनती है. अरे तो पहले ये पढ़ लो कि मतलब रेडी टू ईट है क्या. ये तो पोपट हो गया, पिक्चर में भी है. हाँ, बिकॉज दिस इज वड़ी, उसको ग्रेवी में उबालना है. अरे मुझे तो लगा ही स्नैक्स है जो अपन फ्राइज वाले खाते हैं ना. अरे इसको लाइक कुछ भी मैं वेजिटेबल टोमेटो की ग्रेवी या कुछ बना दूंगी और उसमें डाल के खाना है. बट हाँ, टेस्ट कर सकते हैं. कच्चापन तो है. मतलब मम्मी के मिस्ट्री बॉक्स में मैंने यही कुछ लाया तो इन्हीं को बनाना पड़ेगा. ओह बट दिस इज क्वाइट हेल्दी बिकॉज़ ये उड़द दाल से बनी है. सो इट्स लाइक सोया चंक्स. या और ये आई थिंक जब तक मुझे पता है ये बेक्ड होती है, फ्राइड नहीं रहती है. हाँ. और उसको भाजी में सिर्फ उबालना है. एक्साइटेड, आई रियली वांट टू ट्राई दिस. बना देना कल ही. बना कल ही आपको बनाना है. आपको बनाना है. नेक्स्ट आई हैव दिस. यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट फ्रॉम द सेकंड आइटम दैट शी लव्स घुंघरू. मीठी से घुंघरू की आवाज आ रही है. यस, आई गॉट हर ब्लैक. हाँ, पहले आवाज सुनना था.
नहीं इसमें आवाज नहीं होती, पहनते हैं ब्लैक जुत्ती तो बहुत सारी चीजों के साथ मैच हो जाएगी। और दूसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, इसमें भी सेल्फ प्रिंट है, सेल्फ डिजाइन है, सो इसमें भी बहुत ब्यूटीफुल वर्क किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी है। और कुशनिंग भी काफी अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी थी। यू नो नॉर्मली मैंने जुत्ती में कैसा देखा है कि अंदर से सिर्फ ब्राउन होता है, एक फ्लैट पीस ऑफ लेदर होता है, बट इधर अंदर भी पूरा प्रॉपरली स्टिच किया गया, लाइक द सोल इज नॉट गोइंग टू कम आउट। महाबलेश्वर से जो हजार हजार वाली लाए थे, 900 वाली लाए थे, उसमें भी अंदर और बाहर ऐसा सेम वर्क नहीं था। दिस वॉज अ ग्रेट बाय। वन थिंग अबाउट कोलकाता मार्केट वॉज की चीजें ऐसे हटकी थी, बट ज्यादा अफोर्डेबल चीजें मुझे नहीं मिली। एवरीथिंग वॉज लाइक अबव 300-400, लाइक नथिंग लोअर देन दैट। इसलिए क्वान्टिटी ऑफ थिंग्स शायद कम होगी, बट क्वालिटी इज डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी। अब भी आई गेस, आई डोंट नो, ये ना मैं तो लाई हूँ पापा के लिए, तो पता नहीं मम्मी को पसंद आएगी कि नहीं, बट दिस इज सम चाय। ओके, तो नॉर्मल चाय बनानी है, राइट? नॉट दैट ग्रीन टी। हाँ, यू कैन मेक ब्लैक टी विद दिस, बट दिस इज द फेमस दार्जिलिंग ब्लैक टी। डेफिनेटली ट्राई करेंगे। एंड दोर्जे आई थिंक शार्क टैंक पर भी आया था, सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू ट्राई। मैं दूध नहीं डाल सकता, पापा के लिए सही है। She needs dudh and shakkar, adrak, like proper desi chai. She is not gonna like black tea. This is not really a Mumbai tea. Cutting chai walon mein se nahi aati hai, so I thought we should give this new thing a go. I don't know. ठीक है, अभी guess कर ही लिया है, तो मैं कितने time तक इसको hold back करूंगी? This is a Bengali sari. Actually, you know what? This is a Bengali sari. So, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है व्हाइट के साथ रेड। यस, जैसे आई थिंक देवदास मूवी में ऐसा ही कुछ था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही स्टाइल करूँ ये साड़ी को, बड़ी सी मतलब बिंदी लगाऊंगी, रेड बिंदी, एंड लिपस्टिक ऑल्सो थोड़ी सी ब्राइट रहेगी, एंड मतलब पूरा जस्टिस तो करना ही है टू द ऑथेंटिक बंगाली लुक। एंड मैंने जानबूझ के थोड़ी और फन बंगाली साड़ी ली, लाइक आई थिंक ऑथेंटिक वन इज सपोज टू बी प्लेन एंड विद द रेड बॉर्डर, बट आई वॉन्टेड हर टू हैव अ बिट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल लुक, बिकॉज़ शी लव्स दैट। सो ऑथेंटिक का ऑथेंटिक, बट थोड़ा सा उसमें वर्क भी है ऑल ओवर। ये रियल में मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। या एंड हमने नववारी ट्राई करी है, हमने ऑफ कोर्स गुज्जूस है तो प्रॉपर लहंगे भी पहने, ये घर छोड़ा भी है, तो दिस इज आवर न्यू एडिशन टू ऑल द स्टेट्स का फैशन, अ बंगाली साड़ी। दिस आर योर बैंगल्स। हाँ राइट, वो मैंने देखा है मूवी में, ऐसी ही व्हाइट एंड रेड चूड़ीज वो लोग पहनते हैं। वाओ, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, स्टाइलिंग करने में बहुत मजा आएगा, चार्म ही अलग है इनका। यस, वाओ, इसके ऊपर काफी अच्छे से वर्क भी किया हुआ है। सो द ऑथेंटिक बैंगल्स आर कॉल्ड शाखापोला बैंगल्स, प्रोनाउंसिएशन में शायद ऑथेंटिक बंगाली नहीं है, बट दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। वो तो सिर्फ रेड एंड व्हाइट प्लेन होती है, एंड मैक्सिमम उस पे एक गोल्ड बॉर्डर होती है, लाइक बिटवीन द टू कलर्स। ये थोड़ी फैंसी साइड पर, ये एकदम ऑथेंटिक वाली नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ द कल्चर विद यू, कि इट्स अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न एंड फाइंड आउट। कोलकाता बिरयानी के, या दावत की है, सो दिस ब्रांड आई हैव हर्ड ऑफ बिफोर, तो आई डिडंट हेजिटेट टू गेट इट, पर ये वाला फ्लेवर मैंने यहाँ पर नहीं देखा। ये अच्छा है क्योंकि अनकुक्ड राइस से रेडी टू ईट वाला नहीं है। ओ या, वो नहीं मजा। एंड इसमें मतलब राइस भी उन्होंने इंक्लूड ही करा, इट्स नॉट जस्ट अ मसाला का पैकेट। बिरयानी पेस्ट है इसमें, सीजनिंग सारे दिए हुए, रायते के लिए भी अलग सीजनिंग है। ये कब परसों, कल वो सबसे परसों है बिरयानी।
शी लव्स पाउचेस सो आई गॉट दिस वन फ्रॉम न्यू मार्केट. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. इस पे अलग अलग टेक्सटाइल्स के प्रिंट्स है, गोल्ड फॉइलिंग भी है एंड एक छोटा की चेन जैसा भी है. तो जैसे कि ये बैग है, आप इसकी चेन में यू कैन पुट इट लाइक दिस. सो आई फाउंड दिस क्वाइट नाइस यार. नाउ आई फाउंड समथिंग डिफरेंट बिकॉज शी डज सो मेनी DIYs. नवरात्रि आते से मम्मी के क्रिएटिव जूसेस जो फ्लो होने लगता है, शी ट्रांसफॉर्म्स एनी नॉर्मल थिंग इनटू अ वेरी फन आइटम. तो जब मैंने ये अलग टाइप का टेक्सटाइल देखा, आई थॉट कि मे बी शी कुड एंजॉय यूजिंग इट. वी हैव सम जूट पेपर. द रीजन व्हाई आई गॉट दिस जूट पेपर्स फ्रॉम कोलकाता इज की वेरी वेरी फेमस फॉर जूट. मतलब जो फर्स्ट जूट मिल थी वो कोलकाता में खुली थी. फ्रॉम माई रिसर्च बिफोर आई वेंट टू कोलकाता, दिस कुड बी रॉन्ग, बट दीज आर जस्ट सम आर्टिकल्स दैट आई रेड ऑन गूगल व्हिच आई लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन आल्सो. एंड दैट इज व्हाई जूट इज सो फेमस. यहाँ पे जूट के बैग्स एंड जूट के और बहुत सारी चीजें मिलती है. बट आज लाइक रेडीमेड लेने से अच्छा वाई नॉट लेट्स गेट मल्टी कलर फैब्रिक्स एंड वी कैन डू समथिंग आउट ऑफ दिस. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बाय जो मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ. व्हाइल आई वॉज चेकिंग ऑन माई आर्टिकल्स अगेन, शी इज लाइक अरे इसमें से इयर रिंग्स बन सकते हैं. ऑक्सीडाइज इयर रिंग्स पैसे में ऊपर जैसे नवरात्रि आ रही है तो इसके लिए बड़े से झुमके में ऊपर जो राउंड रहता है वहाँ पे ये लगा के कुछ मिरर लगा दिए हमने अलग अलग शेप. बट इट्स नाइस ना कि यू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स अबाउट अ प्लेस थ्रू अ मिस्ट्री बॉक्स लाइक दिस. आई लव इट. इसलिए ऑथेंटिक चीज ऑथेंटिक जगह से लेने में अलग ही मजा आता है. एंड नाउ आई हैव वन मोर क्लोथिंग आइटम फॉर हर व्हिच इज दिस कुर्ता. वाओ. I don't know, anarkali क्या कुछ तो वर्ड था. Why have I forgotten it? Peplum. Peplum है बट कुछ तो वर्ड था. कितना भरा हुआ है ऊपर से एंड बैग. Look at the bag. हाँ वो बहुत अच्छा लगा. नॉर्मली क्या होता है ये कुर्ते में पीछे ऐसी मोटिया होती है. Yes. इसमें पीछे बैग भी पूरी भरी हुई है. नेक में भी छोटी छोटी बल्लिया जो है. सो वर्क बहुत अच्छा लग रहा है. नवरात्रि में मैं ये चुरा रही हूँ. I would love to wear this with denim. ये जो स्ट्रिंग है उससे यहाँ पे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी. सो है तो भले लखनऊ विच इज अ वेरी कॉमन थिंग बट ये जो पैटर्न है दीज आर डिफरेंट एंड नॉट जस्ट कॉमनली फाउंड. आई थिंक एट दिस पॉइंट अपना बजट खत्म होने आया है. सो जस्ट अ फ्यू मोर थिंग्स. नाउ आई हैव समथिंग जो आई डोंट नो कि मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मम्मी फॉर दिस, बट ये देखते से ही माई कोलकाता फैमिली इज गोना बी लाइक येस. This is an item worth trying. We have an organic coconut made bowl and a ladle or spoon. So this is very native to Kolkata, authentically made. Coconut ke aur dusre show pieces bhi the, but I picked something that we can actually use in daily life. It's handmade, no machine and kuch bhi adulteration nahi. Isme ink nahi hai, kaanch vaanch mila hua nahi hai. So, but isme fragrance hai wo coconut shell ki. Huh. Oh yeah. Yes. तो आई थिंक इसमें कुछ डालेंगे तो मे बी वो कोकोनट की स्मेल या फ्रेग्रेंस कुछ तो मतलब आएगा. आई डोंट नो बट द फिनिशिंग ऑफ दिस कितनी अच्छी. Amazing. क्या अच्छी बहुत स्मूथ है. वेरी नाइस. तो ये एक्चुअली सूप बोल है व्हिच इज व्हाई इसकी स्पून भी काफी वाइड है. एंड थोड़ी बहुत चीजें दैट आई वाज टोल्ड व्हाइल बाइंग दिस वाज कि इसको एक्सट्रीम हीट में या ठंड में नहीं यूज करना. लाइक इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको माइक्रोवेव में नहीं डालना है. एंड इसमें पानी अपन नॉर्मली कैसे बर्तन धोने में डालेंगे, पहले भी सोक देम इन वाटर सो दैट इफ देयर इज एनीथिंग वो निकल जाए. इसको सोक भी नहीं करना, हैंड वॉश ही करना है फटाफट. अवॉइड यूजिंग लाइक स्क्रब एंड ऑल एंड टॉवल ड्राई एंड जस्ट कीप इट असाइड. सो यस मेंटेनेंस तो ज्यादा है कम्पेयर टू लाइक स्टील बर्तन, बट वो एक्सपीरियंस भी तो अलग है ना. इमेजिन हैविंग गरम थाई सूप इन अ कोकोनट बोल, लाइक हाउ फन इज दैट गोना बी. एंड अगर ये ड्राई हो जाए ना तो उसमें कोकोनट ऑयल ही लगाना है टू लाइक मेंटेन द मॉइस्चर. सो परसों के बाद नर्सों मम्मी मुझे सूप बना के देंगे इसमें पीने के. लास्ट टू थिंग्स लेफ्ट. ओके, ये मेरा फेवरेट मिस्ट्री बॉक्स क्यों बना पता है अभी तक का. इसमें फैशन कम और पूरा होलिस्टिक चीजें ज्यादा है. कोलकाता के कल्चर की चीजें ज्यादा है एंड दैट इज व्हाई आई रियली लव. मतलब पूरा मैं ट्रिप वापस जी रही हूँ थ्रू दिस मिस्ट्री बॉक्स. सो इट वॉज अमेजिंग. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द ट्रिप, मैं फ्लरीज गई थी. इफ यू एवर गो टू कोलकाता इवन फॉर हाफ अ डे, अब फ्लरीज जाए बिना वापस मत आना. बिकॉज इतना अच्छा फूड मैंने लंदन में भी नहीं खाया था जितना अच्छा ब्रिटिश फूड मैंने वहां खाया. आई हैड एन एवोकाडो टोस्ट एंड पीच मेलबा आइसक्रीम एंड माय गॉड, इट वाज टू गुड. यू कम विद मी टू फ्लरीज फॉर 2 मिनट्स.
बहुत ज्यादा अच्छा है. बट लेट्स गिव हर द लास्ट फैशन आइटम. ये तो पूरा खजाना है. दिस इज अ लॉन्ग सेट. मैंने पहले सोचा एक एक करके देती हूँ, अगर मैं साथ में दूंगी ना तो खुश हो जाएगी कि अरे इतना सारा एक साथ. चांद बाली जैसा कुछ तो पैटर्न है इसका. इट इज वेरी नाइस. इस पे जो ये स्पेयर्स थे ना, आई थॉट शी विल लाइक दैट. डिस्को बॉल्स. यस. एंड सब में इयररिंग है साथ में जो अलग से भी स्टाइल कर सकते हैं. और इयररिंग भी अभी तो लग रहे बहुत लाइट वे थे, दिख रहे बड़े बट इतना वजन नहीं है. एंड इसमें है आपके घुंघरों का आवाज. एंड लास्टली एंड छोटू सेट फॉर मोर कैजुअल वेयर, मोर डेली वेयर. वो प्लेन कुर्ते के ऊपर मम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं स्टाइल करना. सो दिस इज अ चोकर, अफगानी चोकर. बहुत अच्छा है. दिस ज्वेलरी कितना बार्गेन करना पड़ा पता है. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज व्हेन यू गो यू शुड ऑल्सो बार्गेन. ही वॉज कोटिंग 1000 रुपए फॉर ईच सेट. वो मुझे 4000 रुपए बोल रहे थे क्योंकि आई गॉट 4 sets. एंड आई वाज लाइक आई मे लुक लाइक अ टूरिस्ट बट आई एम नॉट गोइंग टू पे यू 1000 रुपीज अ सेट. तो सारा कुछ मिला के आई थिंक आई गूगल पेड इन 2000-2100 जैसा कुछ अमाउंट था. नाउ मम्मी ये आपका टेस्ट है. आई हैव वन लास्ट आइटम व्हिच इज द परफेक्ट फिनिशिंग टच. तो आप मुझे बताओ कोलकाता का ऐसा क्या फेमस है. रसगुल्ला. आई मीन हाँ फेमस होता है ऑफकोर्स. बेक रसगुल्ला है. रसगुल्ला एंड आई थिंक मिष्टी दही. मिष्टी दोई. मिष्टी दोई हाँ. बट फूड आइटम आई हैवन गॉटन दैट. आप बताओ ये उससे भी ज्यादा फेमस है जो मैं लाई हूँ. आप खाते हो ये इधर भी. कलकत्ता ही पान. यस शी गॉट इट शी गॉट इट. वी हैव कलकत्ता मीठा पान मसाला. आई मीन दिस इज नॉट पान मसाला लाइक वो यू नो व्हाट आई मीन. दिस इज नॉट दैट. दिस इज जस्ट मुखवास पान फ्लेवर्ड. एंड I've been waiting to have this. जब से मैंने कच्चा उड़द दाल खाया I'm like I need a change. I think मुझे नहीं भूलना चाहिए. Miss Works में. मैं इतनी excited हो गई. मैं ही खोल रही हूँ मम्मी का gift. Just nice. Look at this woman. Oh my goodness. बस. Yummy. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा यार. ये जब भी हम यहाँ से लेते हैं दिल्ली से भी ज्यादा एक बार. Nothing was like this. दिल्ली वाला काफी साइबर सिटी में तो एक स्पेशल पान शॉप है. वहाँ से हमने लाया था. वो बहुत ग्रेवी वाला था. नाइस बट ग्रेवी से जल्दी वो खराब हो गया था जो बचा था वो. एंड जब यहाँ से लेते हैं वो बहुत ड्राई होता है. दिस इज लाइक द परफेक्ट इन बिटवीन यार. गुलकंद नागरविल का पान सबका एकदम बैलेंस है फ्लेवर. अमेजिंग. पहले जब भी दे रही थी बस ज्यादा हो गया. और अभी दूसरी बार भी लिया है. ये कलकत्ता मीठा पान यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा सेल होता है. मम्मी और पापा को कलकत्ता मीठा पान अच्छा लगता है. गलो खराब तीन दो डब्बा हमने ऊपर का 10% काली भी कर दिया. तो चीजें लिंक कर देना डिस्क्रिप्शन में. सिमिलर्स अभी आपको बताना की नेक्स्ट सिटी वेयर शुड वी गो एंड इफ वी शुड कम टू योर सिटी. एक पूरी लिस्ट बता दो यार कॉमेंट्स में की कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए. बट अगर आपको मजा आ रहा है इन दिस सीरीज देन डेफिनेटली गिव अ थम्स अप. हम बहुत एफर्ट डालते हैं टू गो एंड ट्रेवल एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग प्रॉपर्ली. और अगर मजा नहीं आया बिंदास थम्स अप दे देना. बट आफ्टर सब्सक्राइबिंग ओनली क्योंकि पूरी वीडियो देखिए फ्री भी है तो why not. We will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye. जब भी मुझे नहीं पता था अफगानी ऐसा होता है मैं सोचती थी क्या रस्टेड है जूना पुराना सा है what is this. अंदर में भी पूरा वर्क किया हुआ है. तो आप कहीं उतारोगे भी तो बहुत अच्छी लगेगी. सो ओपन योर टी पाउच. ओ पाउच वाली है. एंड टेक आउट द टी लीव्स आउट यूजिंग अ स्पून. मेबी वी कैन डू एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लाइक दैट. साइज मुझे लग रहा है थोड़ी सी मेबी बड़ी हो सकती है. इससे छोटी नहीं थी. अभी वाइब्रेंट है. yes. और मेरे पास बड़ा पर्स है जिसमें ये आराम से मैच हो सकता है. इवन बैंगल्स बड़े से ब्रोड खड़े रहते हैं ना. बहुत अच्छे लगे. ऐसे करने बोला है इंस्ट्रक्शंस में. okay. जो हम कभी पढ़ते हैं नहीं. मैंने भी पढ़ती कभी. अभी खींचो. वाओ हेली नहीं नहीं. मेरा बेडशीट तो फिर भी दे आर यूज्ड टू. मैंने सोफे में इतनी बार हाथ पोंछा है. मैं